अपनी मां दे नाल पेकियां दे वेड़े च बैठी खौफनाक हड्डबीती बयान कर रही यह जवान औरत। यह उही जवान औरत है जिस ते इस दा अपना सहुरा ही गंदी निगाह रखदा सी। ते फिर एक दिन उस कलयुगी सहुरे ने इस नूं राह विचों ही घेर लम्मे लम्मे कणक दे खेतां च धू के लिजा इस नाल जो शर्मनाक ते घटिया दर्जे की करतूत कीती ओ बेहद लानत योग है। इस दे सहुरे दे साथी ने इस दियां बाहां फड़ियां ते सहुरे ने खेतां च कपड़े ला इस दी इज्जत तार तार करके रख दित्ती। यह शर्मनाक मामला है जिला फिरोजपुर के पिंड जल्ले के फत्ते वाला हिठाड़ का जिथे ये शर्मनाक घटना वापरी है। असल च इस पिंड की 26 साल नौजवान कुड़ी का विआह कुछ साल पहला पिंड इसमाइल खान के सतनाम सिंह नाँ के नौजवान नाल होया सी। इस वेले इस दे दो बच्चे ने। इस नौजवान कुड़ी वल्लों लाए गए दोषां दे मुताबक दाज घट लियाउण कारण सहुरा परिवार अक्सर इस नूं तंग परेशान करदा ते कुटमार करदा सी, पर घरों गरीब होण कारण इस दे पेके ज़्यादा दाज देण योग नहीं सन, जिस करके पिछले करीब एक साल तो यह अपने पेके पिंड आ के रह रही सी। कुछ दिन पहला यह देर शाम अपने पेके पिंड की एक करियानी की दुकान तो सौदा लैन जाती है ते दुकान बंद होण कारण यह उस वेले ही वापस मुड़ जाती है, पर राह च सुनसान थां ते इसका सहुरा ते उसका एक साथी कणक के खेतों च लुके बैठे सन। फिर जिवें ही यह नौजवान औरत खेतों के कोलों लंघती है दोवें जने इस नूं चुक के खेतों च वड़ जाते हैं ते फिर इस नूं तड़फद्या होया इस नाल जो शर्मनाक करतूत करते ने वह बेहद घिनौनी सी, जिस तो बाद ये अपने कपड़े पा रोंदी करलौंदी अपने घर चली जाती है। ਸਿਰਾਂ ਨਾਲੇ ਆ ਫੱਤੇ ਵਾਲੇ ਛਾੜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 12-13 ਸਾਲ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਚੰਗ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਬਹੁਤ। ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਸਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਨੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੰਮੀ ਅਸਲੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਘਟਨਾ ਸੋਚ ਗਲਤ ਲਾਈਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਇਹ ਪੇਕੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਤੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਤੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਰਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦੱਸੇਂਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ
जो मेरे ना इन्ना उस तरह करके बलात्कार किया, फिर मैं घर वापस मुड़ के आई तो उस तो बाद इन्ना मम्मी मैं दसा माता मैदी तो असी हॉस्पिटल गए उ मैडिकल करवाया, मैडिकल करवा के सारिया रिपोर्टा दरखास्त लाई, इन्ना फिर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की कोई है वह तो घर दोषी लगे फिर दिन जी तो हूँ दो हूँ मैनू आ हूँ दूजा हूँ मैनू देंदे पैने भी धमकियां भी जेडे पत्रकार पुलिस से परचा करवा दें दूजा ही परचा करवा देंगे जिन्ना भी इनके परचा कट्टा है तो पत्रकार ने जिन्हें खबर लाई है तो बड़िया ज्यादा धमकियां दे रहे हैं तो मंगल सिंह का नाम आता पे जो कहता पै तो मैनू दे रहे हैं वह हाँ जी पुलिस को धमकियां दे रहे हैं भी हाँ जी जिन्हें परचा किया उन्होंने भी अं परचा करवा देंगे पुलिस से भी तो पत्रकार से भी परचा करवा देंगे बड़िया धमकियां मैंने तो बड़ी ज़्यादा डर लगता है मैं तो सरकार नवी तू पीले भगवंत मान तो करने भी साड़ी कार्रवाई सुनी जाए तो नवी सरकार की बहुत नहीं फड़ेगा जी घरे लगे फिरते ने साड़ी मंग यही दोषियों को फड़ के सज़ा सज़ा दी जाए। इस मामले च पुलिस ने दोषी सहुरे अते उसके साथी खिलाफ मामला दर्ज कर लिया अते इन्हां दोषियों की भाल की जा रही है। FIR नंबर 52/16/422 अंडर सैक्शन 376 थाना मंदोट पर बयान एक लेडी वालों दो आदमियों के खिलाफ दर्ज कराई गई है कि उन्होंने दोनों ने उहदे नाल मिती 30/3/22 नूं पिंड दे नेड़े कणक दे खेत विच बलात्कार किया जिहदे बयान दे उत्ते मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया अते मुकदमा की तफ्तीश की जा रही है। दोषी सर अरैसट कर ले गए? नहीं दोषी अजे तक अरैसट नहीं किए दोषियों की भाल जा रही है। इन्ना ही नहीं जानकारी मुताबक दोषी मामला दर्ज करने वाले पुलिस वालियां अते खबर छापण वाले पत्रकारां नूं भी धमकियां दे रहे ने। खैर हुण वेखणा यह है कि पुलिस किन्नी छेती कलयुगी सहुरे अते उसदे साथी नूं काबू करके सलाखां पिछे सुटदी है। हकीकत टीवी पंजाबी लई फिरोजपुर तों सुखचैन सिंह दी रिपोर्ट। अजिही कोई परेशानी नहीं जिसका कोई हल ना होवे। की तुसी परेशान हो ता आज ही संपर्क करो मियां सुबेर खान 9973-6813 पता लुधियाना 100% गारंटी नाल पाओ हर परेशानी दा हल। काम दी गारंटी स्टाम्प पेपर ते लिख के लवो तकदीर कदों बदलेगी सच्चा प्यार मिलेगा चा नहीं मोहनी वशीकरण करवाओ मन चाह प्रेमी प्रेमिका अपने वस विच करो परेशानी जिवें प्यार च धोखा प्रेमी प्रेमिका च झगड़ा सौतन दुश्मन दा खात्मा तलाक केस विदेश यात्रा जमीनी झगड़ा कर्जा मुक्ति लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे चा लोटोमैक्स प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो मियां सुबेर खान 9973-6813 पता लुधियाना।